साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। जश्न आज़ादी के मुबारक मौके पर ढाई महीने के मोहम्मद आहिद, नवोदय प्लस टाइम्स के प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ के नवासे की ओर से चैनल के सभी दर्शकों और देशवासियों को जश्न आज़ादी और आज़ादी के अमृत महोत्सव की तहे दिल से मुबारकबाद। कानपुर नगर के घाटमपुर में चीना पब्लिक स्कूल ने 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा रैली निकाली, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रही। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं और अध्यापक गण मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर समूचे देश व उत्तर प्रदेश में शहर शहर, गांव गांव और गली गली, हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर जन जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी अभियान में कानपुर नगर के घाटमपुर तहसील के चीना पब्लिक स्कूल के छात्र छात्रों एवं समस्त टीचर स्टाफ द्वारा एक विशेष एवं अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की शुरुआत चीना पब्लिक स्कूल प्रांगण से हुई, जो मूसा नगर रोड से होती हुई जूनियर स्कूल के मैदान से बड़े रूप में परिवर्तित होते हुए नगर पालिका के कार्यालय के सामने से होती हुई पुराने अस्पताल से गुजरती हुई कानपुर हमीरपुर मेन रोड से गुजरती हुई जहानाबाद भोगनीपुर चौराहे से होती हुई वापस मूसा नगर रोड से चीना भवन पहुंची, जहां चीना पब्लिक स्कूल के संस्थापक राम सजीवन गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में शामिल समूचे सभी छात्र छात्राओं एवं टीचर स्टाफ की हौसला अफजाई की। आपको बताते चलें कि चीना पब्लिक स्कूल की इस तिरंगा यात्रा में शामिल स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाए, जिससे पूरे घाटमपुर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया, तो वहीं नारी शक्ति के कई स्वरूप भी देखने को मिले। स्कूली बच्चों ने देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों का स्वरूप धारण कर उनकी याद दिलाई, तो वहीं पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ जैसे बैनर व होर्डिंग्स के जरिए जन संदेश भी दिया गया। यहां आपको इस स्कूल के संबंध में यह भी बता दें कि पिछले 4 वर्षों से घाटमपुर तहसील 100% रिजल्ट देने वाली चीना पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इंटरमीडिएट व हाई स्कूल में तहसील टॉप किया है। वहीं अगर हम देशभक्ति की बात करें तो चीना पब्लिक स्कूल ने विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर एक मिसाल कायम की है। इस अवसर पर पूरी तिरंगा यात्रा में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। यात्रा का समापन चीना पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हुआ, जहां प्रधानाचार्य शुभांगी सिंह ने छात्र छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर चीना पब्लिक स्कूल के निदेशक नीरज गुप्ता एवं प्रबंधक पंकज गुप्ता ने टीचर स्टाफ और इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के छात्र छात्रा जिन्होंने वॉलंटियर के रूप में पूरी तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की, सभी का आभार व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।